देखिए बंदर के हाथ में चश्मा, यहाँ जब भी आए चश्मे या तो पहन कर ना आए, और अगर चश्मा पहनना ही है तो फ्रूटी का पैकेट साथ में लेके चले, क्योंकि जब आप इन्हें फ्रूटी देंगे तो ये चश्मा वापस देंगे। नंबर वन एक्चुअली मुझे जो अच्छा लगा इसमें सबसे ज़्यादा, सब्जी में हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। जैसे घर में भी हम बनाते हैं, अगर सब्जी में हींग का तड़का अच्छे से लग जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है, लेकिन ऐसी सब्जी हम नहीं बना पाएंगे यहीं के हैं। यहाँ पर लोकल लोग ज़्यादा आते हैं, इनके जितने भी आउट। राधे राधे, एक बार फिर देखिए हम घूम फिर कर आ गए हैं वृंदावन में, कान्हा की नगरी। और क्योंकि कल जब हम आए अपने फेवरेट होटल में, ऑफकोर्स हम वहीं रुके हैं, गिरीश भारती जी ने हमें बताया कि अभी असली वृंदावन तो हमने देखा ही नहीं है। तो ये जहाँ से बाके बिहारी जी का मंदिर है वहाँ से वृंदावन शुरू होता है, और आगे जो प्राचीन काल का जो वृंदावन है एक्चुअली देखने लायक है, और काफ़ी लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। तो हमने सारी डिटेल्स ले ली हैं और अब हम बस वहीं के लिए जा रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं असली वृंदावन। तो देखिए फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारी आई है रंगनाथ जी के मंदिर, हमें भैया लेकर आए हैं। आज नवीन भैया हमें पूरा शो राउंड कराने वाले हैं, प्लीज बताएं भैया इसके बारे में, मंदिर के बारे में। ये रंगनाथ जी का मंदिर है, 1845 में बन के तैयार हुआ था ये जी, और मथुरा के एक सेठ थे लक्ष्मीचंद्र जैन, जिन्होंने पत्तों मनोकामना पूर्ण होने पे ये मंदिर बनवाकर, और साउथ के गुरु जी थे उनके, तो उनको गुरु को दान दे दिया था बनवाकर। अच्छा, मैंने ज़्यादातर मंदिरों की कहानी यही सुनी है यहाँ पर कि उनको पहले वो बनवाते हैं उसके बाद वो दान में दे देते हैं, आगे इसी तरह से चलता रहता है। ये वृंदावन में दान करने का महत्व है, तो दान किया था उन्होंने अपने गुरुजी को। आज भी जो मंदिर की देख रेख होती है वो दक्षिण भारत के लोग ही करते हैं, साउथ इंडियन लोग ही करते हैं। फूस के महीने में, हिंदू धर्म के अनुसार फूस के महीने में वैकुंठ एकादशी आती है। अच्छा। उस दिन खुलेगा ये, साल में पूरे साल में एक बार ये दरवाजा खुलता है, वन ईयर वन टाइम भगवान की पालकी निकाली जाती है। अच्छा। और हजारों लाखों की संख्या में भक्त निकलते हैं उनके साथ में। बहुत सुंदर, बहुत फेमस है ये गोल्डन पिलर। कितना हाइट कितनी होगी इसकी? 40 फीट। 40 फीट? 40 फीट। मुख्य दर्शन है रंगनाथ भगवान, लक्ष्मी जी और गरुड़ जी, ऐसी आगे गोल्डन की मूर्तियां हैं, सिल्वर के सिंहासन पर विराजमान है, चांदी का सिंहासन, चांदी के बर्तन है भगवान के जी। तो मुख्य दर्शन है यहाँ पे। साल में गुरु पूर्णिमा आती है ना जी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई दिखाई जाती है, काठ की लकड़ी के हाथी बना के, लकड़ी का मगर बनाकर। मुझे लगा असली की। नहीं नहीं, आपस में लड़ाई आते हैं और भगवान विष्णु की सवारी आती है, मगरमच्छ का उद्धार करती है, ऐसी लीला यहाँ पर दिखाई जाती है। अच्छा, मैं पहली बार देख रही हूँ हनुमान जी को। दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे आपको जी काला पत्थर, क्योंकि हमेशा हम हनुमान जी का कलर हमारे दिमाग में और मन में बसा हुआ है, ये डिफरेंट है। वाटर बने हुए उनके लिए रहने के लिए, पूरी बड़ी राउंड में 4 परिक्रमाएं है, 108 पुजारी हैं, 7 दरवाजे हैं और 1 किलोमीटर में पूरा मंदिर है। यहाँ पर सभी भगवान की जितनी भी प्रतिमाएं हम देख रहे हैं सब ब्लैक स्टोन में है, ये पहली बार मैं देख रही हूँ इस तरह से, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता भी हमने कभी, वही तो मैं कह रहा हूँ, राम लक्ष्मण सीता नहीं देखे ब्लैक स्टोन में। रंग मंदिर के जस्ट हम साइड में ही आए हैं और यहाँ पे ये ब्रह्म कुंड है, क्या विशेषता भी है इसकी? यहाँ ब्रह्मा जी ने कुछ तपस्याएं की थी। अच्छा। तो ये ब्रह्मकुंड कहते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी का पहले मंदिर हुआ करता था। अच्छा। उसके बाद ये कुंड कुछ खंडर टाइप में हो गया था प्रताप प्रज फाउंडेशन के बीच में आने से, फिर इस कुंड का दोबारा जीर्ण उद्धार कराया गया। लाला बाबू मंदिर के नाम से जाना जाता है। अच्छा। हाँ, काफी प्राचीन मंदिर है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा जिस समय हुई थी तो भगवान की नाक और कान में से रुई बाहर आ गई थी। अच्छा। हाँ, अस्त्र के इसकी भी मूर्ति है, वो भी
अपने आप में देखने लायक है और दर्शन योग्य। श्री कृष्ण चंद्रमा जी महाराज, लाला बाबू का मंदिर यहाँ लिखा हुआ है, विशेषता भैया ने हमें बताई है, तो अब अंदर जाकर देखते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर, जय बजरंगबली। अरे मंकी पाला हुआ है इन्होंने, बिना बिंडा के सब अधूरा। देखिए, और हनुमान जी के साथ, बजरंगबली के साथ ये वानर सेना ना हो तो कैसे काम चलेगा। कितने प्यार से, इन्हें कोई डर नहीं है। और देखिए, हम आ गए हैं गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने। यहाँ पर सुबह जल चढ़ता है और शाम को गोपेश्वर रूप में यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। आज हमारा पूरा जो वॉक हो रहा है, ये मंदिरों के दर्शन हम बाय वॉक ही कर रहे हैं, क्योंकि सब आसपास हैं, विदिन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मैक्सिमम। और अभी 2 मंदिरों के दर्शन करके हम जा रहे हैं नाश्ता करने, जो एक 76 साल पुरानी हम शॉप पर जा रहे हैं, और किस तरह का वहाँ का खाना है, फेमस खाना, वो आपको दिखाते हैं। और देखिए, इतना नाम है इनका भारती जी का, हम पहले भी कितनी बार तारीफ़ कर चुके हैं, लेकिन कम है, और एक्चुअली तारीफ़ के काबिल है। जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा, ये शॉप इनकी सबसे पुरानी है, 1958 में शुरू हुई थी। ये पूरी बनाने का अलग स्टाइल है, इसको आप दोबारा फ्राई करेंगे ना, हाँ, तब वो क्रिस्प जो आता है उसमें। ये है बेड़ी पूरी। और देखिए, ये जिस तरीके से यहाँ पर सर्व हो रहा है, ये भी एक अपने आप में ऑथेंटिक लग रहा है, ट्रेडिशनली तरीके से। और देखिए, अब इसको अंदर, इसमें स्टफिंग भी होती है, ये हमने पहले भी खाई थी, आज भी खाते हैं। इसको बनाने का तरीका अब हमने देख लिया है, 2 बार में ये पूरी सिकती है। यम्मी। कैसा लगा भाई साहब खाना? नंबर वन। एक्चुअली मुझे जो अच्छा लगा इसमें, सबसे ज़्यादा सब्ज़ी में हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। जैसे घर में भी हम बनाते हैं, अगर सब्ज़ी में हींग का तड़का अच्छे से लग जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है, लेकिन ऐसी सब्ज़ी हम नहीं बना पाएंगे, ये अलग रेसिपी है। कहाँ से आए हैं आप लोग? यहीं के हैं। यहाँ पर लोकल लोग ज़्यादा आते हैं, इनके जितने भी आउटलेट्स हैं, टूरिस्ट तो आते ही हैं, लोकल लोगों को क्योंकि टेस्ट का पता है, इसलिए लोकल भी आते हैं यहाँ पर। श्री राधा रमन मंदिर पहुँच गए हैं हम। देखिए, बहुत सुंदर है ये। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। मंदिर जिस तरह से बना हुआ है, ये लग बिल्कुल ऐसे रहा है जैसे हम श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर गए थे, लेकिन ये राधा रमन जी का मंदिर है। और देखिए, बहुत सुंदर, आप देखेंगे कान्हा जी के दर्शन कीजिए श्री राधा रमन रूप में। गोपियाँ, बहुत सुंदर सजाया हुआ है, ऊपर से भी बहुत सुंदर सजाया हुआ है। और देखिए, हम यहाँ निधि वन के भी दर्शन एक बार दोबारा आपको करा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पेड़ ये सारे झुके हुए हैं।
यही इनका महत्व है क्योंकि ये श्री राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं। और देखिए निधि वन के बिल्कुल साथ ही ये शाहजी का मंदिर है जहाँ हम पिछली बार रुके थे, लेकिन बाहर से ही हम ऐसे ही दर्शन करके चले गए थे, आज अंदर चलते हैं। देखिए ये मंदिर जिस तरह से बनाया हुआ है, ऊपर देखिए एक एक आपको जो ये स्टैचूज दिख रहे हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर, और मुझे लगता है इसको बनाने में बहुत टाइम लगा होगा। बिल्कुल ये जगह जैसे हमने कल भी हम जो कुंड सरोवर में गए थे हम दिखाया था आपको, जिस तरह से बनाया गया है ऐसे लगता है जैसे मूवीज के लिए एक सेटअप होता है पूरा। जिस तरह से ये देखिए पिलर्स किस तरह से बनाए होंगे, ये स्ट्रेट नहीं है। इन पिलरों की खासियत है मेन। हाँ जी, ये केले खंबे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, और इन पिलरों की खासियत है, हाँ जी, ये जो पिलर है ये एक ही पत्थर में से निकले हुआ मार्बल के, और बीच में कहीं भी जॉइंट नहीं है इनमें, तो ये ओरिजिनली ऐसे। हाँ, और ये पूरा मंदिर जो है व्हाइट पत्थर मार्बल से बनना था। हाँ जी। बीच में बताते हैं मुनीम वगैरह पैसा खा गया था। अच्छा। तो मुनीम और जिस मालिक ने ये मंदिर बनवाया था उनकी तस्वीरें जमीन पे लगी हुई हैं अभी। जमीन पे लगी हुई हैं। अच्छा। इसमें एक बसंती कमरा भी है जो साल में बसंत पंचमी वाले दिन खुलता है। अच्छा, ये कारीगरी तो मतलब भैया बता रहे हैं एक पत्थर, सिंगल पत्थर है ये। उधर बात करो, फोन को ले जाओ, उधर करो, इधर मत रहो सामने। और देखिए इसे कहते हैं प्रायश्चित। ये वही मुनीम जी और जो लोग जिन्होंने यहाँ इस पत्थर को बनाने में, मतलब पत्थर लगाना था पूरा व्हाइट मार्बल, लेकिन वो उन्होंने जो भी पैसे खाए या क्या किया उन्होंने खुद प्रायश्चित करने के लिए अपनी फोटोज यहाँ पर लगवाई हैं ताकि लोग उनके ऊपर से जाएं। राधे राधे। सामने ये इधर, ये कमरा अभी बंद है, बसंत पंचमी के दिन ये खुलता है, साल में एक ही बार खुलता है, इसीलिए इसको बसंती कमरा कहा जाता है। देखिए बंदर के हाथ में चश्मा, यहाँ जब भी आए चश्मे या तो पहन कर ना आए, और अगर चश्मा पहनना ही है तो फ्रूटी का पैकेट साथ में लेके चले, क्योंकि जब आप इन्हें फ्रूटी देंगे तो ये चश्मा वापस देंगे। बहुत शौकीन है ये चश्मों के। ये देखो फ्रूटी दी उसको, अब ये चश्मा वापस देगा शायद। शायद अभी 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 लड़ाई हो रही है। हाँ, मिल गया चश्मा, वापस मिल गया। मिल गया। यहाँ आकर ना मन तो ऐसा करता है कि बस शॉपिंग करते रहो, लेकिन क्या करे, पीछे से ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे जिस तरह से ये सब तो है ही, कान्हा जी के तो हमें हर जगह पे लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस और ये मिल रहा है, साथ में अपने कपड़े भी बहुत सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए बिस्तर इंक्लूडिंग मच्छरदानी, उनको मच्छर नहीं काटे इसलिए। बहुत सुंदर नेट्स लगाए हुए हैं ये भैया। ये राधा कृष्ण जी जो साथ में है ये 2500 रुपये, और वो छोटे वाले जो वहाँ पे 1500 रुपये। भारतीय फूड की इतनी तारीफ क्यों की जाती है, इसकी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। ये फुलका, इस फुलके के पीछे ये पूरी एक कहानी है, और वो कहानी इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी। गिरीश सर हमारे साथ हैं। इस फुलका को, ये फुलका बनता कैसे है, और किसी ने सर के सामने सिर्फ ये कहा था कि वैसे फुलके यहाँ मिलना मुश्किल है और ये बॉम्बे से चलकर यहाँ आ रहे हैं, तो सर इसको खोजते विद इन अ डे बॉम्बे पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये क्या स्पेशलिटी क्या है इसकी, और बस तभी से ये फुलका हमें यहाँ मिलता है वृंदावन में। इतना पैशन, एक किसी चीज़ के लिए इतना पैशनेट होना अल्टीमेट, इसीलिए ये जो टेस्टी फूड यहाँ हमें मिलता है। मैं तो इतना ही कहूँगी, बाकी सर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्यों ये अलग है। भारतीय फूड्स किसी भी आउटलेट पे आप चले जाइए आपको डिलीशियस फूड मिलता है। इंग्रेडिएंट्स हर जगह उपलब्ध हो सकते हैं, बनाने वाले हर जगह होते हैं। इसके पीछे जो असली कारण होता है आपकी नियत और आपकी खिलाने की भावना जी, ये हर किसी की एक जैसी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली इसीलिए हर एक के खाने में आपको फ़र्क मिलता है। सब लोग शाही पनीर को शाही पनीर ही बोलते हैं, सब दाल फ्राई को दाल फ्राई बोलते हैं, लेकिन आप 10 जगह खाएंगे तो 10 जगह स्वाद अलग अलग क्यों होता है, जो है इसके पीछे एक ही कारण है
बनाने वाले की नीयत और उसकी भावना। अच्छी नीयत और अच्छी भावना से अगर कोई काम किया जाएगा तो उसका परिणाम सकारात्मक होना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता जी। और इसीलिए बिना प्याज लहसुन का खाना यहाँ मिलता है, सात्विक भोजन हमें जैसे कहते हैं वो यहाँ पर मिलता है। इसीलिए बड़े बड़े महारत लोग यहाँ पर, जो साधु संत लोग बाहर नहीं खाते हैं, वो यहाँ पर आकर खाना खाते हैं और यहीं पर ठहरते हैं। हल्का फुल्का, उसी से नाम रखा है इसका, फुल्का। इसका नाम है फुल्का और ये एक्चुअली हल्का फुल्का है। इतनी पतली रोटी बनाना, आई मीन ये भी एक आर्ट है। और इसको पूरा घी में, देसी घी में इसको अच्छे से लिपटा के यहाँ पे इन्होंने सर्व किया है। और ये देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, आई एम श्योर ये बहुत डिलीशियस होने वाला है। और ये मैदा नहीं है, ये प्योर आटा, एमपी का शरबती गेहूं, एमपी का शरबती गेहूं। और ये साथ में हम खा रहे हैं पालक और मटर। मुंह में एकदम घुल रहा है। याद रहेगा वृंदावन आना, रॉयल भारती होकर जाना। देखिए वृंदावन हम तो दो ही कारणों से आते हैं और आते रहेंगे, एक तो रॉयल भारती, बाकी बिहारी जी, और रॉयल भारती। और आप इसीलिए, आपको भी हम ये सजेस्ट करते हैं कि बाकी बिहारी जी के दर्शन तो करने आएंगे ही आप, साथ में रॉयल भारती के जितने भी आउटलेट्स हैं, होटल है, आप ज़रूर विजिट करें। इसी तरह से वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। OT एक्सपर्ट इंस्टाग्राम ID है। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये हमारा पूरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा और अब नेक्स्ट ट्रिप हम बनाएंगे जिसमें आपको यहाँ के बहुत सारे आश्रम्स हमें बताए गए हैं जहाँ पर फ्री सेवा की होती है। वृद्धाश्रम भी हमें बताया है, वो हम आपको दिखाएंगे। जल्दी मिलते हैं। राधे राधे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे।